गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, मॉर्निंग के वीडियो में आपको मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला भाग डाला था और अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सेकंड वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें जो शब्दावलियां पहले भाग में मैंने आपको कहा था कि सेकंड वीडियो में इनको क्लियर करेंगे, आज उन सारी शब्दावलियों को हम यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ और सबसे ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाए जा सके। प्रस्तावना की चर्चा हम कर रहे थे और प्रस्तावना का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रथम जो प्रमुख प्रमुख शब्द हैं, उन शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। कल हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसका सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का डिटेल से इसके शब्दों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंतर्गत हमने दो प्रकार से इसका अध्ययन किया था। पहला तो इसका था सामान्य परिचय और दूसरा है इसका विशेष अध्ययन, जो शब्दों को लेकर के हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसके अंतर्गत कुछ शब्द आपको बताए थे, उन शब्दों को सार से हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राज्य की प्रकृति कैसी है। प्रकृति के अंतर्गत कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे, जिनमें पहला शब्द था आपके संप्रभुता, सेकंड शब्द था आपके समाजवादी, तीसरा शब्द था आपके पंथ धर्म निरपेक्षता, चौथा शब्द है आपके लोकतांत्रिक और पांचवा शब्द है आपके गणराज। इन सारे शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि संप्रभुता से आपका क्या आशय है और संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें राज्य की प्रकृति के अंतर्गत आपको पांच शब्द देखने को मिल रहे हैं कि राज्य जो होगा वो एक संप्रभु संपन्न राज्य होगा। तो संप्रभुता का अर्थ हमें जानना अति आवश्यक है। एक आपके सामने है समाजवादी, एक है हमारे सामने पंथ व धर्म निरपेक्षता, एक है आपके सामने लोकतांत्रिक और एक है हमारे सामने गणराज्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संप्रभुता की, कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता से हम क्या समझते हैं और संप्रभुता के बारे में हमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनका विशेष रूप से अध्ययन करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम संप्रभुता पे चर्चा करते हैं कि संप्रभुता होती क्या है। सबसे पहले आप इस शब्द को देखिए कि संप्रभुता, सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो संप्रभुता का एक अर्थ होता है कि संप्रभु संपन्न वो देश होता है जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता है। अर्थात हमारा जो देश है ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी देश के या किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है। तो संप्रभुता के मूल रूप से यदि देखे जाएं तो दो अर्थ हमें निकल करके आते हैं सामने। एक तो इसका शब्द होगा बाहरी संप्रभुता और एक होगा इसका अर्थ आंतरिक संप्रभुता। भारी और आंतरिक, इसका मतलब यह है कि भारत जो है ना तो बाह्य किसी शक्ति के अधीन है और ना आंतरिक रूप से किसी शक्ति के अधीन है। अर्थात भारत संपूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देश है। इन संप्रभुताओं की यदि बात करें तो इनके कई प्रकार होते हैं, लेकिन मूल रूप से आंतरिक और बाह्य संप्रभुता को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन दोनों संप्रभुताओं का प्रयोग जो करती है वो कौन करती है, एक
सरकार करती है। आगे यदि इनका हम का और देखें तो मूल से आपने एक शब्द पढ़ा होगा कानूनी संप्रभुता, एक आपने पढ़ी होगी राज नैतिक संप्रभुता और एक आपने पढ़ी होगी लोकप्रिय संप्रभुता और एक आपने पढ़ा होगा नाम मात्र की संप्रभुता और एक आपने पढ़ी है वास्तविक संप्रभुता। तो मित्रों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये मूल रूप से संप्रभुता के भाग हैं और इनको हमें जानना होगा। सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक शब्द आपके सामने है कानूनी संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता की यदि बात करें तो इसके एक जनक हुए थे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन नाम के एक बहुत बड़े विचारक हुए थे और जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता जो होती है वो मूल रूप से कानूनी प्रकार की है, अर्थात कि संप्रभुता एक नियमों के आधार पर चलती है। और इस संप्रभुता की यदि बात करें तो आप याद रखना कि कानूनी जो संप्रभुता होती है ये मूल रूप से संविधान के अंतर्गत निहित होती है। तो आप ध्यान रखना कि कानूनी संप्रभुता का जनक कौन माना है, जॉन ऑस्टिन। और कानूनी जो संप्रभुता होती है वो किसके अंतर्गत निहित होती है, संविधान के अंतर्गत। अर्थात हमारे देश में यदि देखा जाए तो सर्वोच्च स्थान जो है वो किसका है, संविधान का। इस संविधान का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे हमारे देश का प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति हो। यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चला करके निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाएगा। एक आपके सामने है राजनीतिक संप्रभुता और एक आपके सामने है मित्रों लोकप्रिय संप्रभुता। राजनीतिक जो संप्रभुता है इसके जनक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था कि संप्रभुता मूल रूप से जो होती है वो राजनीतिक होती है, अर्थात इसका जो प्रयोग करेगी वो करेगी संसद। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में कानून निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का राजनीतिक आधार पर जो प्रयोग करती है वो कौन करती है, संसद करती है। एक आपके है लोकप्रिय संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता की यदि बात करें तो इसके जो जनक हैं वो आपको माने जाते हैं रूसो। रूसो एक बहुत बड़े विचारक थे और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने इस बात को कहा था कि लोकप्रिय जो संप्रभुता होती है ये जनता में निहित होती है। किसके अंतर्गत निहित होती है, जनता में। तो आप ध्यान से सुनना इस चीज को कि कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता का जनक कौन माना गया है, जॉन ऑस्टिन। कानूनी जो संप्रभुता होगी वो किसके अंतर्गत निहित होगी, संविधान के अंतर्गत निहित होगी। राजनीतिक जो संप्रभुता है इसका जनक किसको माना गया है, जॉन लॉक को। और ये जो संप्रभुता निर्धारित की गई है जो नीत है वो किसमें है, संसद के अंतर्गत है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना है किसे, रूसो को। और रूसो ने कहा था कि लोकप्रिय संप्रभुता जो होगी वो जनता में निहित होगी। और आप याद रखना सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रभुता मानी गई है वो कौन सी संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता। और आप याद रखना कि भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की अंतिम जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत निहित है, जनता के हाथों में निहित है। एक आपके सामने है नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता जो निहित होगी वो निहित होती है राष्ट्रपति में, अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र की संप्रभुता का एक प्रकार से प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है और नाम मात्र की जो संप्रभुता है उसका प्रयोग करता है कौन, पीएम। तो आप याद रखना, सॉरी, नाम मात्र की जो संप्रभुता है उसका प्रयोग करता है आपके राष्ट्रपति और वास्तविक जो संप्रभुता है
इसका प्रयोग कौन करता है? पीएम। हालांकि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, ग्रेड फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अति आवश्यक होती है, लेकिन सामान्य जो कंपटीशन होते हैं या जर्नल जो कंपटीशन होते हैं उनमें ज्यादातर केवल आपसे वो यही पूछता है कि संप्रभुता जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको संप्रभुता का अर्थ बताना है कि संप्रभुता संपन्न वो देश होता है जो किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता है, ना तो आंतरिक दृष्टि से और ना ही किस प्रकार की बाह्य दृष्टि से। आंतरिक और बाह्य दृष्टि से जो देश स्वतंत्र है वो अपने आप में कैसा माना जाएगा? संप्रभु संपन्न देश माना जाएगा। संप्रभुता के मैंने आपको प्रकार बताए हैं, वैसे मूल रूप से एक तो भारी या बाह्य संप्रभुता और एक होती है आंतरिक संप्रभुता। इन दोनों संप्रभुताओं का प्रयोग कौन करती है? सरकार करती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, कानूनी संप्रभुता जो है इसके जनक हैं जॉन ऑस्टिन, और कानूनी संप्रभुता जो है वो किसमें निहित है? संविधान में। राजनीतिक जो संप्रभुता है इसका जनक है जॉन लॉक, और राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? संसद में, अर्थात इसका प्रयोग कौन करेगी? संसद करेगी। लोकप्रिय जो संप्रभुता है इसका जनक किसको माना है? रूसो को। और आपको पता होगा कि रूसो ने कहा था कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होगी? जनता में निहित होगी। इसके बाद में नाम मात्र और वास्तविक, नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति या संप्रभुता है इसका प्रयोग तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वास्तविक जो संप्रभुता है इसका प्रयोग कौन करता है? पीएम। तो इस प्रकार से आप याद रखना कि संप्रभुता की यदि बात की जाए तो संप्रभुता संपन्न जो देश होगा वो बाह्य और आंतरिक दृष्टि से किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता है। इसके बाद में एक शब्द आया था समाजवादी। समाजवादी शब्द को आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि समाजवाद के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था होती है खास करके अर्थव्यवस्था वाली, उस अर्थव्यवस्था में ज्यादातर उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि अधिक से अधिक जनता का कल्याण हो सके, अधिक से अधिक जनता उत्पादन और वितरण के साधनों पर अपना नियंत्रण रख सके, तो आप याद रखना। इसके बाद में हमारा एक शब्द आता है समाजवादी। मैं आपको बता देता हूं कि संसार में मूल रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं वो किस प्रकार की है। देखिए, एक आपने पढ़ी होगी उदारवाद, एक आपने पढ़ा होगा मार्क्सवाद, एक आपने पढ़ा होगा समाजवाद, और एक आपने पढ़ा होगा साम्यवाद। ये चार प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था का नाम है उदारवाद। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है इसका नाम है मार्क्सवाद, और तीसरी जो है इसका नाम है समाजवाद, और चौथी जो अर्थव्यवस्था है इसका नाम है साम्यवाद। तो मित्रों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में तो केवल एक ही शब्द आया है समाजवादी या समाजवाद, लेकिन समाजवाद को समझने से पहले हमें इन चारों शब्दों का अध्ययन करना होगा, तब जाकर के आप अधिक इस शब्द को समझ पाएंगे। तो आप याद रखना, उदारवाद जो है, इस उदारवाद का जो जनक माना गया है, इस उदारवाद का जनक माना गया है जॉन लॉक को। किसको माना गया है मित्रों? जॉन लॉक को। मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद का जनक जो माना गया है वो है कार्ल मार्क्स। और इसके बाद में आप ध्यान रखना, समाजवाद का जो जनक माना गया है, समाजवाद का जनक है लेनिन, और साम्यवाद का जनक जो माना है वो है माउथ से तुंग। अब इस चीज को आपको समझना होगा कि उदारवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो उदारवादी जो अर्थव्यवस्था होती है
एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, एक प्रकार से कैसी होती है, फ्री। और आप याद रखना, जो अर्थव्यवस्था फ्री होती है, अर्थात जिस पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी भी ग्रुप का कोई अधिकार नहीं होता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं होती है, उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कौन सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। अब याद रखना, उदारवाद का जनक है जॉन लॉक, और उदारवाद जो होता है वो एक प्रकार के, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, फ्री अर्थव्यवस्था होगी। मार्क्सवाद, और मार्क्सवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके जनक माने गए हैं कौन, कार्ल मार्क्स। और इस अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रण किनका होता है, मजदूरों का होता है। किनका होता है, मजदूरों का। आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स ने मजदूरों से कहा था कि मजदूरों हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि सभी मजदूर या दुनिया के जितने भी मजदूर हैं वो सब एक हो जाएं, अर्थात सभी मजदूरों एक हो जाइए। और आप याद रखना, उन्होंने मार्क्सवाद नामक एक अर्थव्यवस्था, एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें जो उत्पादन और वितरण के साधन थे उन पर नियंत्रण किसका माना था, मजदूरों का माना था। अब बात आती है समाजवाद की, तो आप याद रखना समाजवाद का जनक लेनिन है, लेकिन इस समाजवादी जो अर्थव्यवस्था, इसको एशियन समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं इन सब पर किसका नियंत्रण होता है, समाज का होता है, अर्थात उनका प्रयोग अधिक से अधिक समाज हित में किया जाता है। और इसीलिए ये अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा किसके लिए फायदेमंद होगी, समाज के लिए होगी। साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था का जो जनक माना गया है वो है माओ त्से-तुंग, और इस अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण होता है वो एक ग्रुप का होता है, अर्थात किसका होता है, समूह का। हालांकि हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना के अंतर्गत केवल एक ही शब्द था, समाजवाद। मैं आपको इस बात को बता देता हूं कि समाजवाद नामक जो शब्दावली है ये भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और समाजवाद की यदि तो भारत के अंतर्गत जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है, तो आप याद रखना मित्रों, भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक जो समाजवाद है ये किसका कॉन्सेप्ट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अर्थात लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, इस लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी कि उत्पादन और वितरण का जितने भी साधन होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, उनका प्रयोग अधिक से अधिक जनता के हित में किया जाएगा, लोकतंत्र। अभी आपको इसका मैं आगे विस्तार से अर्थ बताऊंगा कि लोकतंत्र होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको इस बात को जानना होगा कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और इसीलिए नेहरू ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लोकतांत्रिक समाजवाद। अब आप पूछेंगे कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते, भारत में जो समाजवाद अपना रखा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो किसकी अवधारणा मानी गई है, नेहरू जी की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है, नेहरू जी की। देखो दो प्रकार से आपको पढ़ना होगा, एक तो आपने पढ़ी होगी समाजवाद, और एक आपने पढ़ा होगा साम्यवाद। व्यवस्था है साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद, इन दोनों व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो इनमें काफी कुछ अंतर होता है, लेकिन समाजवाद और उदारवाद में, उदारवाद जो है वो मूल रूप से अमेरिका के अंतर्गत निहित है, क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक खुली अर्थव्यवस्था है, और समाजवादी जो है, या इसको आप साम्यवाद भी कह सकते हैं क्योंकि इसका एक विस्तृत रूप है, और ये है USSR, अर्थात पूर्व सोवियत संघ, यू
SSR, पूर्व सोवियत संघ, और आपको पता होगा समाजवाद और उदारवाद, इन दोनों को मिलाकर के 1991 में भारत के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपना रखा है वो किस प्रकार का है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। इसीलिए अधिकांश पुस्तकों में आपको पढ़ने को मिलता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक बार आप इसको वापस से देख लीजिए कि प्रस्तावना में शब्द दे रखा था समाजवादी। समाजवादी शब्द को समझने के लिए अपन ने चार कॉन्सेप्ट और लिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट था आपके उदारवाद, और उदारवाद जो है इसका जनक माना गया है किसे? जॉन लॉक को। जॉन लॉक ने कहा था कि उदारवादी जो व्यवस्था होती है इसमें मूल रूप से अर्थव्यवस्था खुली होती है, किसी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी आपके सामने थी मार्क्सवाद, और मार्क्सवादी जो व्यवस्था है इस मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत आपको पता होगा इसके जनक है कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स महोदय ने यह कहा था कि मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था होगी उस पर नियंत्रण होगा मजदूरों का, और मार्क्स ने एक नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आगे हमारे था कौन सा? समाजवाद। समाजवाद की यदि बात करें तो समाजवाद का जनक लेनिन है। समाजवाद को एशियन समाजवाद भी कहते हैं, खास करके लेनिन का जो समाजवाद है उसको एशियन समाजवाद कहते हैं। और समाजवादी जो व्यवस्था होती है इस अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था होगी या उत्पादन व वितरण के जो साधन होंगे उन सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? समाज का होगा। किसका होगा? समाज का। लेकिन मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो किसकी अवधारणा मानी गई है? नेहरू जी की अवधारणा है, जिसमें अधिक से अधिक जनता के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। एक आपके सामने है साम्यवाद। साम्यवाद का जनक है माओ त्से तुंग, और माओ त्से तुंग कहता है कि साम्यवाद जो है ये मूल रूप से यदि देखा जाए तो कैसे लोगों का समूह है, एक ग्रुप या संस्था, या आप कह सके कि एक विशाल समूह के लोगों के साथ में जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्यवादी। लेकिन आप याद रखना समाजवाद और उदारवाद ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। इन दोनों विचारधाराओं का मिश्रित जो स्वरूप है वो भारत में अपना रखा है, जिसे हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को समाजवाद जो शब्द है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि समाजवाद कैसी व्यवस्था होती है, क्या होती है। अब आगे आप देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है आपके सामने, पंत निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। कई मित्र इस बात को कहते हैं सर हम इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि धर्म और पंथ दोनों एक ही हैं क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है। पंथ एक अलग अवधारणा है और धर्म एक अलग अवधारणा है। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से एक चीज ध्यान रखना कि जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है पंथ निरपेक्षता। तो हमें केवल इस बात को ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दावली है वो शब्दावली कौन सी है? पंथ निरपेक्षता है। और ये भी आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि पंथ निरपेक्षता जो थी वो मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थी। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि होता क्या है पंथ। एक बार आप इधर देखिए, धर्म की यदि बात तो धर्म का एक सामान्य अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी जीवन की शैली है इस जीवन की शैली को अपना सकता है। रहन सहन का उसका जो तरीका होगा वो उसका एक क्या होगा? धर्म होगा।
अर्थात धर्म एक क्या होता है, धारण करने की चीज है, और धर्म एक प्रकार से जीवन शैली है, जिस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं, जीवन में जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, वो एक क्या है, धर्म है। और मित्रों आप ध्यान रखना, महात्मा यदि बात करें तो महात्मा गांधी जी ने धर्म के बारे में क्या विचार दिए हैं, तो आपने कहा था और आपने कई बार देखो इस बात को मुझे भी कहा था कि सर धर्म और पंथ निरपेक्षता में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, तो आप इस चीज को समझना कि गांधी जी इस बात को कहते हैं कि धर्म जो है वो एक धारण करने की चीज है, और धर्म के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, और धर्म के बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो एक शून्य है। कैसा माना है, शून्य। तो गांधी जी ने कहा था कि धर्म धारण करने की चीज है, और कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना क्या माना गया है, शून्य माना गया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्षता शब्द भी किसने दिया था साहब, गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था, गांधी जी ने। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि धर्म से अलग राजनीति नहीं हो सकती, और धर्म से अलग जो राजनीति है वो मृत्यु के समान है। किसके समान है, मृत्यु के समान है। कोई भी व्यक्ति धर्म धारण कर सकता है, और गांधी जी ने भी राजनीति को किससे जुड़ा हुआ माना था, धर्म से जुड़ा हुआ माना था। उसने कहा था कि धर्म से अलग जो राजनीति है वो किसके समान है, मृत्यु के समान है। अब बात आती है कि साहब पंथ क्या चीज है, तो आप याद रखना कोई भी धर्म हो, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म, तो मित्रों आपने जैन धर्म की दो शाखाओं के बारे में पढ़ा होगा, एक तो शाखा है दिगंबर और एक शाखा है आपके श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर, जैन तो क्या हो गया, एक धर्म हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों जैन धर्म की यदि बात करें तो दो अवधारणाएं हैं, और ये जैन धर्म के दो अलग अलग क्या हो गए हैं, पंथ हो गए हैं। क्या हो गए हैं, पंथ हो गए हैं। तो आप याद रखना धर्म तो कौन सा है, जैन, और जैन धर्म के अंतर्गत पंथ कितने हैं, दो, एक तो कौन सा है दिगंबर और एक कौन सा है श्वेतांबर। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि साहब बौद्ध भी एक धर्म है, और बौद्ध धर्म में भी आपको दो पंथ देखने को मिलते हैं, एक तो होगा महायान और एक होगा कौन सा, हीनयान। तो आप याद रखना जैन और बौद्ध इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप ये दोनों क्या हैं, धर्म, और इनकी ये जो शाखाएं हैं ये दोनों अपने आप में क्या हैं, पंथ है। तो भारत का जो संविधान है उसमें केवल पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख है, न कि किसका, धर्म निरपेक्षता का। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को पंथ और धर्म में अंतर पता चल गया होगा कि पंथ क्या होता है और धर्म क्या होता है। इसके बाद में आप याद रखना कि पंथ निरपेक्षता, तो इसका मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है, या सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है, भारत जो है वो सभी धर्मों में समान रूप से बराबर विश्वास करता है, और भारत जो है सर्व धर्म संभाव की भावना में विश्वास करता है। अर्थात पंथ निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि भारत धर्म विरोधी नहीं है, भारत में सभी धर्मों को क्या माना गया है मित्रों, बराबर माना गया है। अर्थात कि भारत किसी भी धर्म के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। अब आगे, और ये भी आप ध्यान रखना कि इसको भी 42वें संशोधन 1900 कितने के द्वारा, 76 के द्वारा जोड़ा गया था। एक चीज और आप ध्यान रखें कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल है या नहीं है, तो आप याद रखना एक विवाद मैंने आपको कल बताया था, एस आर बॉम्बे बनाम भारत संघ, इसमें आपको याद रखना है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, इन तीनों शब्दों की यदि बात करें तो इन तीनों शब्दों को
भारतीय संविधान के किस में शामिल किया गया है, मूल ढांचे में शामिल किया गया है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है। इसमें आप इस चीज को ध्यान रखें कि मूल ढांचे का निर्धारण समय समय पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारण किया जाता है, और एसआर बम्बई बनाम भारत संघ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, इन तीनों शब्दों की यदि बात करें तो इन तीनों शब्दों को किसमें शामिल किया था, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में। तो इस प्रकार से पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत आपने अध्ययन किया, और इससे आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि पंथ और धर्म में क्या अंतर है। इसके बाद में एक शब्द आता है लोकतंत्र। हम ज्यादातर इस चीज को पढ़ते हैं कि लोकतंत्र जो है, देखो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे, उनकी परिभाषा अधिकांशतः प्रचलन में है कि लोकतंत्र जो होता है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आप याद रखना, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए क्या है, शासन है। तो ये तो एक रटी हुई लाइन हो गई कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए कि जनता का, कि इस शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। तो जनता का, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो शासन, वो शासन किसका होता है, जनता का होता है। किसका शासन होता है, जनता का। तो का से तात्पर्य क्या होगा कि यहाँ पर जो अंतिम शक्ति है वो किसके हाथों में निहित है, मित्रों, जनता के हाथों में निहित है। द्वारा, और द्वारा से तात्पर्य अर्थात जनता के द्वारा जो संविधान है या जनता के द्वारा जो शासन है, इसका तात्पर्य क्या होगा कि भारतीय संविधान में अधिकांश जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे, लोक कल्याण के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, लोक कल्याण। तो जनता का शासन जो है, इससे तात्पर्य है कि अंतिम शक्ति किसके हाथों में है, जनता के हाथों में। द्वारा के तात्पर्य है कि जनता के द्वारा अर्थात जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। और एक है आपके लिए कि इसमें जो लास्ट शब्द दिया है, जनता के लिए शासन। तो जनता के लिए शासन जो लिया है, इसका जो तात्पर्य है, इसका कि जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है, शासन का संचालन करती है। तो एक बार आप दोबारा से सुनिए इस चीज को कि इब्राहिम लिंकन ने जो परिभाषा दी थी, हालांकि ये परिभाषा पहले एक विचारक ने दी थी, वामयान, और आधुनिक संसार में ये जो परिभाषा है वो है अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा को हमारे सामने रखा है। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसमें से काका जो तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है कि शासन की अंतिम जो शक्ति है वो किसके हाथों में नहीं थे, जनता के हाथों में। द्वारा का जो तात्पर्य है, इसका मतलब है कि जनता जो है उसकी भलाई के लिए, अर्थात कह सके कि लोक कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। और के लिए के शासन का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है, शासन करती है। और मित्रों यदि आगे बढ़े तो लोकतंत्र के मूल रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपने दो शब्द पढ़े होंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक शब्द आपने पढ़ा होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दो शब्द हैं, और आप मूल रूप से इस चीज को ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो जनक माना गया है वो कौन है, रूसो है। और एक आपके कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मूल रूप से एक अंतर याद रखना है आपको कि जनता जिसमें सीधे स्वयं नियम और कानून बनाती है वो लोकतंत्र कैसा होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो मूल रूप से स्विट्जरलैंड में है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? स्विट्जरलैंड। हालांकि ग्रेड फर्स्ट के लिए जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख हथियार हैं, उन चारों प्रमुख हथियारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और वो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के शासन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है जो जनता के द्वारा चलाया जाता है। वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष हो सकता है। और भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है मित्रों? अप्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कौन है? रूसो है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। इसके बाद में एक शब्द आपके सामने है, गणराज्य। आप याद रखना, प्रस्तावना का ये सेकंड जो वीडियो है इसमें आपको मैं शब्दों के अर्थ बता रहा हूं यहाँ पे। तो इसमें एक शब्द है आपके सामने, गणराज्य। कि साहब गणराज्य क्या होता है? तो आप विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि गणराज्य की यदि बात करें तो गणराज्य एक मूल रूप से वो व्यवस्था होती है जहां पर राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो आप याद रखना, गणराज्य की यदि बात करें तो गणराज्य भारत 26 जनवरी 1950 को बना था, क्योंकि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की यदि बात करें तो राष्ट्रपति मित्रों वंशानुगत होकर के जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत एक गणराज्य देश तो है। और आप याद रखना, ब्रिटेन की यदि बात करें, मूल रूप से ब्रिटेन में एक चीज आपको याद रखनी है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो होता है इसका तो चुनाव होता है, लेकिन यहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है राजा, ये वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन ब्रिटेन एक कैसा देश नहीं है? गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो निर्वाचित तो हो रहा है लेकिन यहाँ का जो राजा है वो निर्वाचित ना होकर के क्या होता है? वंशानुगत। इसलिए ब्रिटेन एक कैसा देश नहीं है? गणराज्य नहीं है। तो आप याद रखना कि भारत गणराज्य देश है। क्यों है? क्योंकि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो राज्य की प्रकृति के शब्द थे उनके ऊपर चर्चाएं की है। गणराज्य आपको पता है कि वह देश होता है जिसका राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है। और भारत जो है ये 26 जनवरी 1950 के दिन क्या बना था? गणतंत्र बना था। और आप याद रखना मित्रों, नेक्स्ट वीडियो जो आपको डालूंगा फंडामेंटल राइट्स का होगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि नेक्स्ट वीडियो को अधिक से अधिक देखें, क्योंकि पहले और दूसरे वीडियो को मैंने बहुत कम समय में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियो एक के बाद एक आपको मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।